बताइए क्या कुछ चाहिए। बिल्कुल, हाल ही में लिस्ट हुई थी कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इसके आज नतीजे आने वाले, यहाँ पर फोकस करके चलेंगे डीसीएम श्रीराम, जहाँ पे बोर्ड बैठक है, अंतरिम डिविडेंड पर यहाँ पे विचार किया जाएगा, तो इसके अनाउंसमेंट पर भी रहेगी नजर। मैरिको दूसरे डिविडेंड पर आज बोर्ड बैठक होने वाली है, तो ये अनाउंसमेंट भी रहेगा इंपॉर्टेंट। वोडाफोन आइडिया, टेक्समाको रेल और इंजीनियरिंग एंड इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस में फंड जुटाने पर आज होगा विचार, तो ये सारी कंपनीज के जो अनाउंसमेंट आएंगे फंड रेजिंग को लेकर वहां पे करेंगे फोकस। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विस और फ्लेयर राइडिंग इंडस्ट्रीज में 50% आईपीओ लॉक इन जो है वो आज खत्म होते हुए दिखेगा, 90 डेज का ये लॉक इन है, तो इक्विटी ओपन अप हो जाएगी। एक्सटेड एनएमडीसी में इंटरम डिविडेंड करीबन 6.25 रुपए का, तो आज आपको शेयर प्राइस में एडजस्ट होते हुए नजर आएगा। रिकॉर्ड डेट है साउथ इंडियन बैंक में राइट्स इश्यू को लेकर, 6 से 20 मार्च तक इसका पीरियड है, प्राइस देखे तो 22 रुपए के आसपास की है और करीबन 52 करोड़ शेयर्स इसमें दिए जाएंगे, तो ये भी आज फोकस में रहने वाला है। आईपीओ मार्केट काफी हॉट है, आज दो आईपीओ जो है वो आज ओपन होते हुए देखेंगे। प्लेटिनियम इंडस्ट्रीज यहाँ पे देखे 29 फरवरी तक ये आईपीओ ओपन रहेगा, प्राइस बैंड 162 से 171 रुपीज की, 87 शेयर्स का लॉट साइज है, इशू साइज 235 रुपीज की और एंटायरली फ्रेश इशू है ये, जिसमें एंकर निवेशों के जरिए करीबन 41 लाख शेयर्स दिए गए हैं 171 के भाव पे और टोटल 70 करोड़ रुपीज यहां पे जुटाए गए हैं। एक्सीकॉम टेली सर्विसेज, ये आईपीओ भी जो है वो आज से ओपन हो जाएगा, 29 फरवरी तक ये आईपीओ ओपन रहेगा, प्राइस बैंड 135 से 142 रुपए के आसपास के, 100 शेयर का लॉट साइज है और इशू साइज देखे तो 430 करोड़ के आसपास के, जिसमें से फ्रेश इशू 330 करोड़ का। एंकर निवेशों के जरिए कंपनी ने करीबन 180 करोड़ रुपए जुटाए हैं, तो यहाँ पर भी फोकस करके चलेंगे। जीपीडी हेल्थकेयर का आईपीओ कल बंद हो चुका है, टोटल सब्सक्रिप्शन 8 गुना 8.5 गुना ये भरते हुए नजर आए, क्यूआईबी में 17 गुना, एनआई में 11 गुना, रिटेल में देखें तो 3.25 गुना का सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। सीएमएस इन्फो सिस्टम प्रमोटर जो है वो आज यहाँ पे करीबन 27% हिस्सा बेच सकते हैं, बड़ी ब्लॉक डील यहाँ पे संभव है, 1500 करोड़ की इसकी वैल्यू हो सकती है और मौजूदा भाव से देखें तो 9% के डिस्काउंट पे इसे किया जा सकता है। पेटीएम फिर से आज फोकस में, क्योंकि विजय शेखर शर्मा साहब का पेटीएम पेमेंट बैंक के पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से इस्तीफा आते हुए दिखा है, नए चेयरमैन की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है, तो यहाँ पर भी फोकस रहेगा। साथ ही साथ यूपीआई सेवाओं के लिए 4 बैंकों के साथ यहाँ पर करार करने की संभावना है, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, यस बैंक के साथ चर्चा जो है वो जारी है, तो यहाँ फोकस करेंगे। कैनरा बैंक, जहाँ पर स्टॉक स्प्लिट का इंतजार था वो अब आ चुका है, एक शेयर को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा, 2 से 3 महीनों में शेयर विभाजन की जो प्रक्रिया है वो भी पूरी होती हुई नजर आएगी। आंध्रा सीमेंट, जहाँ पे प्रमोटर सागर सीमेंट ओएफएस के जरिए करीबन 5% हिस्सा बेचने वाले हैं, ओएफएस का जो फ्लो प्राइस है वो 90 रुपीज के आसपास का है, आज और कल ये ओएफएस स्टार्ट रहेगा। पावर मैक प्रोजेक्ट, जहाँ पे छत्तीसगढ़ के रेलवे प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को करीबन 400 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, तो बड़ा ऑर्डर है कंपनी के लिए और 30 महीनों में इसे पूरा भी करना है। हिंद रेक्टिफायर, जहाँ पे 200 करोड़ से अधिक का एक ऑर्डर कंपनी को मिलते हुए दिखा है, FY 2024-25 के लिए भारतीय रेलवे की तरफ से ये ऑर्डर आते हुए नजर आया। और लास्ट में क्रॉपटन क्रीव, जहाँ पे HDFC म्यूचुअल फंड ने करीबन 2% हिस्सेदारी खरीदी है, हिस्सा 5% से बढ़कर 7% हो गया है, ओपन मार्केट के जरिए 23 फरवरी को ये ट्रांजैक्शन हुआ था।